हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इमेज मैंने फोटोशॉप में किस तरह से एडिट की है। ओरिजिनल इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, और एडिटिंग के बाद हमारी इमेज बन जाती है ऐसी। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को हाइड कर देता हूँ, और हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है इस पर सबसे पहले दो ह्यू एंड सैचुरेशन के लेयर्स में बना लेता हूँ। तो ये हमारा पहला लेयर है, ये हमारा बनेगा कलर डॉज। तो इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज करके कलर डॉज कर देना है। उसके बाद इस लेयर का ओपेसिटी नहीं, फिल कम करना है। इसका फिल मैं कर देता हूँ 10। इसके बाद एक और मैं यूज सैचुरेशन का लेयर यूज करता हूँ, इसका ब्लेंडिंग मोड हमें कर देना है कलर बर्न, और इसका भी फिल मैं कर देता हूँ 10। इन दोनों लेयर्स को मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस ग्रुप से हमारे इमेज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बन गया है। इसके बाद में इस इमेज में थोड़ा पिंकिश शेड डालेंगे, क्योंकि ये इमेज में थोड़ा ग्रीनिश और ब्लूइश शेड है, थोड़ा नॉन इंटरेस्टिंग लगता है। नए लेयर में हम लोग एक सॉलिड कलर पिंक यूज़ करेंगे। तो पिंक कलर के लिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, लाइट पिंक कलर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट, और ओपेसिटी कर देता हूँ 25, ठीक है। तो पहले से बेटर लग रहा है। देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने की वजह से स्किन पे येलो शेड थोड़ा ज़्यादा आ गया है। सबसे पहले हम लोग येलो को कम करके ऑरेंज में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एक और यू सैचुरेशन का लेयर यूज़ करेंगे। इसमें सीधा येलो पे जाएंगे, थोड़ा हम लोग उसका जो यू है -10 पे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा उसको लाइटन कर देंगे, लेकिन ये पूरे इमेज पे इफ़ेक्ट कर रहा है। हमें चाहिए कि सिर्फ स्किन पे इसका इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मास्क को इन्वर्ट कर दिया है, बहुत सॉफ्ट ब्रश लेके उसको ओपेसिटी कम करके मैंने यहाँ पे 23 रखा है ओपेसिटी। आप 25-30 कुछ भी रख सकते हैं। और इससे मैं यहाँ पे वाइट कलर को चूज़ करके पेंट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इनकी स्किन का जो येलोइश कलर है वो कम हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये येलो कलर काफ़ी यहाँ से कम हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर हम जो यूज़ करेंगे वो है अगेन इनका स्किन ब्राइट करने के लिए। स्किन ब्राइट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कर्व्स का। कर्व्स में हमको जितना चाहिए उतना स्किन ब्राइट करके हम लोग अगेन इसका भी मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल आई से मैं मास्क इन्वर्ट कर रहा हूँ, और अगेन स्लोली इनके स्किन पे हम लोग पेंट करेंगे। एक और मैं कर्व्स का लेयर रहता हूँ, जिसमें मैं हाईलाइट कम करने वाला हूँ। ठीक है, अगेन ये भी कंट्रोल आई करके इन्वर्ट करके ये वाला मैं इनके फेस पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो फेस का जो येलोइश कलर है वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हाईलाइटेड पार्ट भी कम हो गया है, और दोनों का फेस थोड़ा बैलेंस नजर आ रहा है। इस लेयर के पहले आप देखोगे, इन दोनों लेयर्स के पहले आप देखोगे तो उनका स्किन में काफ़ी डिफरेंस था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेड कलर और ब्लू कलर को एनहांस करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास जो है यू सैचुरेशन है, इसमें मैं रेड्स का सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ब्लूज, सीधा हम लोग ब्लूज पे जाएंगे, ब्लूज का भी सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, और सियान का भी। ठीक है, दोनों कलर एनहांस करने के बाद में देखोगे बहुत सटल चेंज है, लेकिन अच्छा लगता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक फेस सनलाइट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के स्किन पे यहाँ से इस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है। तो हम लोग फोटो में थोड़ा उसको दिखाने का ट्राई करेंगे। उसके लिए मैं एक ब्लैंक लेयर ले लूँगा। ब्लैंक लेयर पे मैं ब्रश से सनलाइट क्रिएट करूँगा। इसके लिए सनलाइट का जो कलर होता है
थोड़ा सा ऑरेंजिश, थोड़ा डार्केश में आउटसाइड आउटर लेयर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एक बड़ा ब्रश 100% ओपेसिटी के साथ में और हार्डनेस एकदम ज़ीरो यहाँ पे मैं पेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा ब्रश का साइज़ हम लोग छोटा करते हैं, छोटा करके हम लोग कलर थोड़ा और ब्राइटर यूज़ कर लेते हैं। ब्राइटर कलर के साथ में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में ब्रश का साइज़ फिर से और छोटा करके और ब्राइट येलो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड जो है हम लोग स्क्रीन कर देंगे और कंट्रोल टी के बाद में शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके इसको होल्ड करके मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है और इसको हम लोग सेट कर देते हैं कुछ ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि सन का डायरेक्ट लाइट फ़ोटो में भी आ रहा है और इनके स्किन पर भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस फोटो में जो दो कलर मेजॉरिटी हमको दिखते हैं, येल्लोइश और ब्लूइश, इन दोनों कलर को हम लोग एनहांस करेंगे। इसके लिए मैं एक और ब्लैंक लेयर लेता हूँ। ब्रश में हम लोग फिर से एक ऑरेंज का थोड़ा ऑरेंजिश ये वाला कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ब्रश का साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इस तरह से मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है उसको सॉफ्ट लाइट कर देते हैं और ओपेसिटी 20 या 25 तक लेके आते हैं। देखो इस लेयर से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट येलोइश लाइट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में इसी लेयर पे हम लोग एक ब्लूइश कलर भी पेंट कर लेते हैं। ब्लूइश कलर से क्या होगा, फोटो में जो ब्लूइश कलर है वो एनहांस हो जाएगा, ठीक है। अगेन बड़ा ब्रश ठीक है, आपको पता नहीं चला लेकिन अगर मैं 100% ओपेसिटी करके दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। तो इन दोनों कलर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 20% ओपेसिटी के साथ में ये इमेज यहाँ पे एनहांस हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग इस इमेज को कंट्रोल शिफ्ट अल्टर ई प्रेस करेंगे, इससे नीचे जितने भी लेयर्स हैं उन सबका एक कॉमन रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इस इमेज में हम लोग को सबसे पहले शार्पन कर लेना है। शार्पन के लिए मैं अनशार्प मास्क यूज़ कर रहा हूँ। अनशार्प मास्क में आप रेडियस 1 तक रख सकते हैं, मैंने 7 रखा है, ओके कर देते हैं। उसके बाद में इसी इमेज में हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करने के लिए अनशार्प मास्क में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अमाउंट उसका मैं 20% रखता हूँ और रेडियस जो है वो उसका 35 कर लेता हूँ, थ्रेशोल्ड 3 कर देता हूँ। तो देखो मैं अगर प्रीव्यू को हटा दूँ तो बिल्कुल स्लाइड इफेक्ट आपको दिखेगा। तो इस इमेज में देखो बिफोर एंड आफ्टर में अगर आपको दिखा हो इस इमेज को शार्पन करने के बाद में, तो ये पहले इमेज ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग ख़त्म हो जाता है। मैं अगर बिफोर आफ्टर आपको दिखा हो तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल कॉपी था, उसके बाद में ये कन्वर्ट होके ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो कलर उसमें एनहांस हो चुका है, कॉन्ट्रास्ट उसमें बढ़ चुका है, सनलाइट हमने इंक्रीज़ कर दिया है, स्क्रीन को ब्राइटर कर दिया है, जिससे ये फ़ोटो अच्छा लग रहा है, पहले से तो अच्छा लग रहा है। दोस्तों एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं कमेंट में ही उसका आंसर करूँगा। हो सके अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूँगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई इमेज के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।